नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, धमकी दे करके पैसा वसूलना ये एक धंधा बनता जा रहा है, पहले से ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसने ज्यादा पैर पसार लिए हैं। एक्टर मनु पंजाबी, जो बिग बॉस फेम के कलाकार रहे हैं, उन्हें उन लोगों की तरफ से धमकी मिली है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का भी कत्ल किया है। और मनु पंजाबी ने इस सिलसिले में आज एक ट्वीट किया है और खुद को मिली इस धमकी के बाद जयपुर पुलिस की ओर से उन्हें दी गई सुरक्षा का शुक्रिया अदा किया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो उन्हें विश्नोई टीम का थ्रेटनिंग लेटर आया है वो उन्हें मेल के जरिए मिला है। दो चार लाइनें थ्रेटनिंग की दे करके उन्होंने बकायदा अपना एक लेटर अटैच किया और इस लेटर में लॉरेंस विश्नोई का एक तरफ फोटो है, एक तरफ गुलटी बरार का फोटो है और एक तरफ सेंटर में लॉरेंस विश्नोई टीम लिखा हुआ है। अब टीम में कौन कौन लोग हैं ये इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, लेकिन टीम के ऊपर जो एक गोला बना हुआ है उसमें दो आंखें नजर आ रही हैं, माथे पे चंदन लगा हुआ है और तिलक लगा हुआ है। चेहरा नहीं मालूम किसका है, लेकिन जो लेटर है वो मैं आपको हूबहू पढ़ के सुनाती हूँ। ये लेटर गुलटी बरार टीम की तरफ से है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सिद्धू हत्या मामले में लॉरेंस भाई को टारगेट किया जा रहा है, इसी के चलते इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन हम किसी एक पर सारा भार नहीं डालना चाहते, इसलिए थोड़े थोड़े पैसे सभी सब लोगों से लिए जा रहे हैं। और अभी तक जो पैसा आया है उसमें किसी ने कोई होशियारी नहीं दिखाई है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमसे होशियारी का मतलब सिर्फ मौत है। तुम्हें भी 10 लाख रुपए 4 घंटे के अंदर हमारे पास भेजने हैं, और अगर 4 घंटे के अंदर पैसे नहीं आते तो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना, क्योंकि फिर तुम्हें जमराज भी बचा नहीं सकते। और अगर पैसे समय से आ जाते हैं तो तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे किसी भी मामले में, और अगर होशियारी दिखाने की जरा सी भी कोशिश की तो हम पूरी मैगजीन उतार देंगे बॉडी में, और जिंदगी भर इस बात का अफसोस तेरे परिवार को रहेगा कि 10 लाख के लिए हमने क्या खो दिया। हम तक पहुंचने का ख्याल दिमाग से निकाल देना, जो भी नंबर या अकाउंट नंबर हम यूज कर रहे हैं वो हमारे तो नहीं है, इतना तो तेरा दिमाग होगा, लेकिन हमने इस बंदे को प्रॉमिस किया है कि अगर कोई तेरे खिलाफ कार्रवाई करता है या तुझे फोन करता है तो उसको इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाएगा। और जिसको हमने जुबान दे दी उसको कोई बदल नहीं सकता, इसलिए इस अकाउंट में पैसे डालो और काम खत्म करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई कोशिश भी मत करना, तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए यही अच्छा है। नीचे सिग्नेचर हुए हैं जिनको देख करके ये लगता है गोल्डी बरार लिखा हुआ है। दरअसल मैं आपको बताती हूँ कि मनु पंजाबी कुछ रोज पहले ही उनको एक धमकी भरा ईमेल आया था, उसमें उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस में इसकी शिकायत गई पंजाबी की तरफ से, पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी और गुनहगार को पकड़ लिया। इसके बाद पंजाबी ने इससे जुड़ा एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने खुद को मिली धमकी का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, और इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से मनु से 4 घंटे में 10 लाख रुपए मांगे गए थे और कहा गया था कि अगर उन्होंने ये पैसे नहीं दिए तो उनका कत्ल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देखिए इस लेटर को अगर बहुत ध्यान से हम देखें तो इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक ये कि हमें अभी पैसों की ज़रूरत है, हमें अभी ही पैसों की क्यों ज़रूरत है, साथ में उन्होंने ये भी लिखा है क्योंकि लॉरेंस भाई को टारगेट किया जा रहा है, इसी के चलते हमें
ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो मतलब लॉरेंस भाई को अगर टारगेट किया गया है तो उन्हें पैसे की क्या जरूरत है? क्या उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? मींस बचाने की कोशिश तो मतलब ही नहीं होता। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको वहां से निकाला जाएगा, कैसे क्या है, बहुत सारे सवाल इसमें छिपे हुए हैं। पुलिस को पैसा देना चाहते हैं या किसी और बड़े आदमी को पैसा देना चाहते हैं जो गोल्डी बराड टीम का ही है? और गोल्डी बराड टीम ये कह रहे हैं, उनकी टीम ये कह रही है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई को वहां से निकालना है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा एक बात और उन्होंने कही है कि हम तुम्हें किसी भी मामले में कुछ भी होने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मनु पंजाबी को भी एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उन्होंने कौन सा गुनाह किया हुआ है, उन्होंने क्या गलत काम किया हुआ जिसे जिससे उसे वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और इस बात को उन्होंने इसमें लिखा है कि हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। ये सारी बातें हैं, ये पुलिस के लेवल का मैटर है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अब ये बहुत ही अच्छी बात है कि जयपुर पुलिस ने जिस जहाँ से भी ये मेल आया उसको अरेस्ट किया है, पुलिस की वो गिरफ्त में है। तो इससे और चीज़ें भी खुलेंगी। हालांकि बराड ने इसमें कहा है कि जो भी मेल करने वाला बंदा है या जिसका अकाउंट दिया हुआ है, उस बंदे को अगर कोई भी कुछ कहेगा तो उसको वो देख लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें इस जो उनका लेटर है लॉरेंस बिश्नोई टीम का जिसपे गोल्डी बराड के हस्ताक्षर हैं, उसमें भी अपने आप में कई सवाल हैं जो पुलिस को देखने होंगे। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपको फिर मिलूंगी किसी और नई खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।